उलेमाओं के फतवे से परेशान गायिका फरमानी अब हिंदू धर्म अपनाने जा रही। जिसने भी खबर सुना चौंक गया, फरमानी ने ऐसा किया तो क्या होगा। आखिर हर हर शंभू गाकर फरमानी ने पहले ही हिंदू बनने का रास्ता चुन लिया था। देखिए क्या है सच और क्यों यूपी से लेकर बंगाल तक मच गया तहलका। हर हर शंभू गाना गाकर सुर्खियों में आई फरमानी नाज ने ऐसा फैसला कर लिया है कि जिसे सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि अब तो बवाल और बढ़ने वाला है। सोशल मीडिया पर फरमानी के एक अकाउंट से लिखा गया कि मेरे पूर्वज पहले हिंदू थे, इसलिए मैंने हर हर शंभू भजन गाया, जल्द ही मैं हिंदू धर्म में शामिल हो जाऊंगी। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट सामने आई तो हंगामा मच गया। फरमानी जो कल तक जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर एक सिंगर के तौर पर अपनी पहचान की बात कर रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ जो धर्म परिवर्तन की बातें करने लगी। सोशल मीडिया पर जमकर इसको लेकर बातें की जाने लगी, लेकिन फिर जो सच्चाई सामने आई उसे सुनकर आप और भी हैरान हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर फरमानी को जान से मारे जाने की धमकी मिलने का दावा भी किया जा रहा है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है, वो इन सब से परेशान होकर जल्द ही हिंदू धर्म अपना लेंगी। इन सब बातों के बीच फरमानी नाज ने अपना एक वीडियो जारी किया है। नाज ने बताया जिस ट्वीट से उनके हिंदू धर्म में शामिल होने और जान से मारने की धमकी देने की बात कही जा रही है वो फेक है, वो उनका अकाउंट नहीं है, ना ही उन्होंने ऐसी बातें बोली हैं। सुनिए फरमानी ने क्या कहा। मेरे नाम से किसी ने फेक आईडी बना के ट्विटर पे उसमें लिखा है कि मैं हिंदू धर्म अपना रहे हूँ और मेरे पूर्व जन्म हिंदू धर्म की पूजा करते थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे लोगों को रिपोर्ट कीजिए और उनसे कहिए, उनसे सवाल कीजिए कि किसी के बारे में भी बिना सोचे समझे ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहिए। और बहुत लोग हैं जो मेरी फेक आईडी बना बना के ऐसे इस तरह के गलत कमेंट्स कर रहे हैं, तो उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फरमानी नाज ने कहा मेरे नाम से एक फेक आईडी बनाई गई है जिसमें मेरे हिंदू धर्म में शामिल होने की बात कही जा रही है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को रिपोर्ट करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरी फेक आईडी बनाकर उल्टी सीधी बातें पब्लिश कर रहे हैं। लोगों को बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। मैं जिस धर्म में हूँ वहाँ बहुत खुश हूँ, सभी अपने धर्म में खुश हैं, किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसे लोगों का मुंह बंद करना चाहिए, इन लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए। मुझे इस तरह से बदनाम ना करें, आप लोग ऐसे लोगों से बोलें मेरे साथ ऐसा ना करें। मुझे किसी ने धमकी नहीं दी, सभी लोग मेरे साथ हैं, मुझसे प्यार करते हैं, आप लोग ऐसे लोगों से दूर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।